मुरादाबाद के राज्य मंत्री श्री राम चौहान ने मुरादाबाद का दौरा किया। इस दौरान सबसे पहले राज्य मंत्री मंडी समिति के कार्यक्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और प्याज के गोदामों को औचक निरीक्षण किया। उन्हें प्याज के बड़े रेट पर बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा में प्याज की अधिक पैदावार होती है। इस बार बारिश के कारण प्याज की फसल 25% से अधिक खराब हो गई है। प्याज की बाजार में खपत बराबर है लेकिन आपूर्ति कम हो गई है। भारत सरकार प्रयास करके बाहर से प्याज मंगवा रही है जो बहुत जल्द बाजारों में पहुंच जाएगा। प्रदेश सरकार ने भी मध्य प्रदेश से प्याज लाने का प्रयास शुरू किया है। प्याज की कोई कमी नहीं रहेगी। फिलहाल मुरादाबाद मंडी में प्याज का थोक भाव 60 रुपए प्रति किलो है। प्याज को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। प्याज की जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य मंत्री चौहान ने कहा कि जनता को सस्ता प्याज उपलब्ध करवाने के लिए मंडी परिषद, उद्यान विभाग और खाद्य विभाग जगह जगह स्टॉल लगाने का काम कर रहे हैं। सभी मंडियों में स्टॉल लगे हुए हैं। इसके बाद हैदराबाद एनकाउंटर पर बोलते हुए मंत्री श्री राम चौहान ने कहा कि आरोपियों द्वारा किया गया अपराध माफी लायक नहीं था, जिसकी निंदा पूरा देश और समाज का व्यक्ति कर रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार उन्नाव कांड को लेकर गंभीर होना होगा और कठोर कार्रवाई जल्द करनी होगी। मुरादाबाद मंडी का कुछ उद्यान विभाग से जुड़े हुए माली हाउसों का और कुछ प्रधानमंत्री की जो सिंचाई योजना है ड्रिप इरीगेशन, उन सबको देखने का काम किया गया। और मंडी परिषद में आज प्लास्टिक की टोकरियों को वितरित करने का, तिरपाल वितरण करने का, 3 महिलाओं को उनके पत्नी खेती किसानी करते हुए देहांत हो गया था उनको 3-3 लाख रुपया देने का काम किया गया। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार जो संवेदनशील सरकार है, पारदर्शी सरकार है, किसानों के हित में, व्यापारियों के हित में नित नूतन नए कार्यक्रम करती रहती है और उसका लाभ किसानों को मिल रहा है। सर, प्याज के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, क्या मानते हैं प्याज का क्या कारण है? यहाँ कितना दाम है नहीं, जो रेट के विपक्ष तो अभी यहाँ बताओ ना, अभी मैं देख के आया हूँ 60 रुपये में यहाँ बिकता है गेट पर और यहाँ भी थोक में 60 रुपये है। तो कुल मिला करके जो फुटकर के भाव है 90 से 120 रुपये पहुँच रहा है मार्केट में। कुल मिला करके प्याजों के दाम में जहाँ मुख्य उत्पादक राज्य है वहाँ पर बाढ़ आ जाने के कारण तमाम प्रकार की कठिनाई हुई। अब पानी लंबा खींचा, लंबा बरसा, तो एक तो उत्पादन कम हुआ और जो हुआ भी वो थोड़ा फड़ गया। इसके कारण जो नासिक इत्यादि से प्याज आती थी उसके आवक में भारी कमी हुई और उसके कारण थोड़ा अभाव हुआ है। लेकिन प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार दोनों सचेत हैं। केंद्र तो बाहर से भी प्याज मंगा रही है, हमारे वहाँ भी अलवर वगैरह से प्याज मंगा करके और उसकी पूर्ति की जा रही है। और हमारे प्रदेश में प्याज रबी की फसल है, बहुत सारे प्रदेश में दो दो फसल लेते हैं, खरीफ में भी ले लेते हैं। तो खरीफ की फसलों की दुर्दशा के कारण दिक्कत हुई है। हमारे किसानों ने तैयारी की है, बहुत जल्दी से रबी की जो प्याज है, हरी प्याज वो आ रही है और बहुत जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। मंत्री जी, हैदराबाद में जो है पुलिस इनकाउंटर में रैपिस्टों को इनकाउंटर किया गया, क्या मानता है कितने सही है? बहुत जघन्य अपराध हुआ था, उसकी निंदा सर्वत्र पूरा देश कर रहा है, पूरा समाज कर रहा है। अब इनकाउंटर जैसे वहाँ के पुलिस विभाग का कहना है कि पकड़े जाने वाले अपराधी पुलिस का वेपन छीन करके भाग रहे थे। इतना बड़ा अपराध करने के बाद पुलिस के हथियारों को लेकर के कोई भागेगा तो पुलिस के पास उसको लगता है और कोई चारा बचता नहीं। तो बाकी आप सब लोग ज़्यादा समझदार हैं। सर, उन्नाव में भी एक अंग्रेज का मामला है, उसमें दुर्भाग्यपूर्ण है इसकी उसकी भी तो उसके लिए सरकार क्या कोई कदम उठाएगी इस तरीके से? हैदराबाद में सरकार जो है उस पर भी
संवेदनशील है और सरकार के ध्यान में जब बात आई थोड़ा विलम्ब से आई तो बहुत कठोर कार्यवाही हुई है। आप लोगों को मालूम है मंडी समिति की स्थानीय व्यवस्था जो आपने बताया कि सफाई पे आपने संतोष जताया, सड़कें आपने देखी हैं, इसके अलावा आपको गोदाम के यहाँ हाल बताए, गोदाम जर्जर हालत में, इन सब चीज़ों को बता तो रहे हैं। प्रपोजल भेजा है, और जल्द हो जाएगा वो। दरअसल माइनस ये गड्ढा मुक्ति में पैसा इस मंडी माइनस स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के क्या है, मंडी योजना चालू कर दी है उसी के हिसाब से इसमें खर्च होता है। तो ये गड्ढा मुक्ति में कुछ पैसा निकल गया था, अभी पैसा हमारे पास फिर आ गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मुरादाबाद की मंडी कितना खराब उतर रही है, देखा होगा जो इसमें। देखो भाई, मंडी में सामान आता है, किसान अपने सामान को लाता है, तमाम प्रकार की साग सब्जियाँ आती हैं। आप इसको 10 बजे 12 बजे तक देखोगे तो मंडी स्वच्छता अभियान की धज्जियाँ उड़ाती हुई मिलेंगी, लेकिन जब इसको 3-4-5 बजे देखोगे तब यहाँ साफ सफाई होती हुई दिखाई देगी। तो समय कब देख रहे हैं उस पर निर्भर करता है। वैसे साफ सफाई पर प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का पूरी तरह से जोर है और मंडी समिति उसमें पूरी तरह से सफलता अर्जित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।